एक ऐसा शख्स जो उस जाति में पैदा हुआ था जिसको दूसरी जाति के लोग अछूती मानते थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन उस जाति को हक दिलाने में बिता दी। और एक वो इंसान जिस पर विश्व में सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई है और एक ऐसे इंसान जिनका स्टेचू जीवित रहते हुए भी बना दिया गया था। और हम आज बात कर रहे हैं मेहनत, संघर्ष और सफलता की इबारत रखने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। तो चलिए जानते हैं उनके उस कारनामे की वजह से जिनको दुनिया आज भी याद करती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। कहानी की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 1891 से, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर पर हुआ था। भीमराव अम्बेडकर 14वीं संतान थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महार जाति के थे जिसे अछूता माना जाता था। जब अम्बेडकर को लगा कि वो भारत में जाति प्रथा दूर नहीं कर सकते तो गुस्से में उन्होंने एक बात कह दी कि मैं हिंदू पैदा हुआ था लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। और 1956 में उन्होंने अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म अपना लिया, जिसके साथ साथ लाखों दलितों ने भी धर्म परिवर्तन कर दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1906 में 9 साल की रमाबाई से शादी की थी। वो 1908 में एल्केस्टन कॉलेज में एडमिशन लेने वाले भारत के पहले दलित थे। भारत के तिरंगे झंडे में अशोक चक्र को लगाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। और उस समय जहां श्रमिकों को 14 घंटे काम करना पड़ता था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसे 8 घंटे करवा दिया। भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष भी थे और इसी कारण से उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही एकमात्र भारतीय है जिनकी पोर्ट्रेट लंदन संग्रहालय में कॉल मार्क के साथ लगी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1948 में डायबिटीज से ग्रस्त हो गए और 1956 तक बीमार रहे और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भले ही आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन लोगों के दिलों में आज भी वो जिंदा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।